हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं कक्षा 6 के पहले लेसन के बारे में, जिसका नाम है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, कि जो भोजन है वो कहाँ से आता है। तो यहाँ हम लाइन टू लाइन रीड करेंगे और हम प्रत्येक लाइन का आपको अर्थ भी बताएंगे, जिससे कि आप उसको समझ पाएँ। शुरुआत करते हैं। व्हाट डिड यू ईट एट होम टूडे? तो आज आपने घर पे क्या खाया? फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टूडे। पता कीजिए कि आपके जो साथी हैं उन्होंने आज क्या खाया। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टूडे? तो क्या आपने कल और आज सेम फूड खाया था? वी ऑल एट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम इजेंट इट। हम लोग अलग अलग तरह का भोजन खाते हैं अलग अलग समय पे, तो ये सही है। विभिन्न प्रकार का भोजन हम बदलाव करके खाते हैं, जैसे कल जो खाया था वो आज हम नहीं खाते। नॉर्मल सी बात है, कल मान लो हमने लौकी की सब्ज़ी खाई थी, आज हमने टिंडे की सब्जी खाई है, तो ऐसे हमारे जो भोज्य पदार्थ है वो बदलते रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फूड वैरायटी, भोजन की जो विभिन्नता है उसके बारे में। इसमें एक्टिविटी फर्स्ट यहाँ दे रखी है, आस्क योर फ्रेंड इन योर स्कूल अबाउट द आइटम दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। सी इफ यू कैन ऑल्सो गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर फ्रेंड स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर ये हमसे ऐसे कह रहा है कि आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल अबाउट द आइटम दे वुड ईटिंग ड्यूरिंग अ डे, कि अपने फ्रेंड से आप बात करें कि उसने पूरे दिन के दौरान क्या क्या खाया। सी इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया। यदि आप इंडिया के विभिन्न जो स्टेट्स हैं वहाँ रहने वाले आपके फ्रेंड्स से ये इंफॉर्मेशन जुटा पाएँ तो और भी अच्छा है। लिस्ट ऑल द आइटम इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1। तो जो टेबल दे रखी है 1.1, वी वाट डू वी ईट, तो आज हमने क्या क्या खाया वो यहाँ स्टूडेंट का नाम लिख देना है और फूड आइटम इटन इन द ए डे, तो जो भोजन खाया गया उसका यहाँ नाम हमको दे देना है। तो ये हम यहाँ लिस्ट आउट कर सकते हैं। लिस्ट आउट करने का फ़ायदा क्या रहेगा? फ़ायदा ये रहेगा कि जो फ्रेंड्स हैं हमारे अलग अलग जो स्टेट्स में रहते हैं, उन्होंने सारों ने अलग अलग स्टेट्स में जो पॉपुलर फूड्स बनते हैं वो सभी खाए होंगे, तो उनके नाम यहाँ पर हमारे सामने आ जाएंगे। फिगर 1.1 डिफरेंट फूड आइटम, यहाँ पर देखिए फिगर 1.1 जो दे रखा है इसमें डिफरेंट फूड आइटम हमारे पास है। यहाँ पर फिश है, ये करी है, ये इडली सांभर और ये चटनी है इसके साथ में। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जो फूड है उसकी वैरायटी अलग अलग है। उसके बाद में हम बात करते हैं, देयर सिम्स टू बी सो मच वैरायटी इन द फूड दैट वी ईट। फिगर 1.1, व्हाट आर दीज फूड आइटम मेड ऑफ? तो ये हमको पता लग गया है कि हम जो खाना खाते हैं वो विविधता लिए हुए होता है, मतलब अलग अलग प्रकार का होता है। क्या आप बता सकते हैं कि ये खाना किससे बनता है? थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम, जो चावल आपके घर पे बनाए जाते हैं आप उनके बारे में सोचिए। वी टेक रॉ राइस एंड बॉइल इट इन ए वाटर, हम कच्चे चावल लेते हैं और उनको पानी में उबालते हैं। जस्ट टू मटेरियल और इंग्रेडिएंट्स,
आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश बॉइल्ड राइस। तो यहाँ पर हमको जो उबले हुए चावल हैं उनको प्राप्त करने में जो इंग्रेडिएंट हैं उसके संघटक हैं वो दो हुए, एक तो वाटर हो गया और एक राइस हो गया। तो हम इनको बोलेंगे इंग्रेडिएंट्स। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीडेड डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स साल्ट स्पाइसेज ऑयल एंड सो ऑन। तो यहाँ हम वेजिटेबल करी बनाने के लिए डिफरेंट टाइप के जो इंग्रेडिएंट हैं उनको काम में लेते हैं, जैसे वेजिटेबल हो गया, साल्ट हो गया, स्पाइसेज हो गए। उसके बाद में एक्टिविटी टू है हमारे पास, चूज सम ऑफ द आइटम यू लिस्टेड इन टेबल 1.1 एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट आर यूज टू प्रिपेयर दीज बाय डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स एंड एल्डर एट होम। आप क्या करेंगे कि जो टेबल 1.1 में आपने नोट आउट किया है उनके बारे में ये बात करेंगे, डिस्कस करेंगे अपने फ्रेंड्स से कि उनको कौन कौन से इंग्रेडिएंट से बनाया गया है। लिस्ट देम इन टेबल 1.2, सम एग्जाम्पल्स आर गिवेन हेयर, एड सम मोर आइटम टू दिस लिस्ट। तो यहाँ कुछ उदाहरण तो दिए गए हैं और कुछ उदाहरण आप खुद भी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहला जो एग्जाम्पल है रोटी या चपाती, तो जो रोटी या चपाती है इसके इंग्रेडिएंट यहाँ हो जाएंगे आटा एंड वाटर। दाल के इंग्रेडिएंट हो जाएंगे पल्सेज, जो दाल है हमारी, वाटर, साल्ट, ऑयल, घी एंड स्पाइसेज। तो ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे व्हाट डू वी फाइंड, हम क्या पाते हैं। डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम डिस्कस इन क्लास, सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम आउट। तो हमने यहाँ पर प्राप्त जो किया है वो ये है कि इतने सारे जो पदार्थ हैं इनमें कुछ इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल सेम होते हैं, सारे के सारे जो फूड मटेरियल होते हैं उनमें। तो हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर वो आते कहाँ से हैं। इसके बाद में हम चलते हैं फूड मटेरियल्स एंड शॉर्टेज। फूड मटेरियल जो भोज्य पदार्थ है और सोर्स उसका जो स्रोत है वो कहाँ से आता है। इट मे बी इजी फॉर अस टू गेस द सोर्सेज ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2। तो ये हमारे लिए बहुत ही आसान है कि हम ने जो 1.2 टेबल में इंग्रेडिएंट नोट किए थे उनका सोर्स पता लगाना कि वो कहाँ से प्राप्त होते हैं हमको। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस, जैसे फ्रूट है, वेजिटेबल है, यहाँ फिगर 1.2 ए में जो दे रखा है, वेयर डू दे कम फ्रॉम कि वो कहाँ से हमको प्राप्त होते हैं। प्लांट्स ऑफ कोर्स, तो ये हमको पादप से प्राप्त होते हैं। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस ऑफ वीट, तो राइस और वीट का सोर्स क्या है, तो ये भी एक प्लांट्स है। यू मे हैव सीन पेडी, पेडी होती है धान बोलते हैं, पेडी और वीट फील्ड विद रोज एंड रोज ऑफ प्लांट विट गिव अस दीज ग्रेन्स। तो जो पेडी होती है उससे हमको ये सारे के सारे प्लांट और ये जो इंग्रेडिएंट हैं ये मिलते हैं। एंड देन देर आर फूड आइटम लाइक मिल्क, एग एंड मीट कम फ्रॉम एनिमल्स। तो यहाँ जो मिल्क, एग और मीट है वो हमको कहाँ से प्राप्त होता है, एनिमल से हमको मिलता है। एक्टिविटी 3 देखेंगे यहाँ।
लेट अस टेक द फूड आइटम लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। यहाँ पर हमको क्या करना है, लिस्ट बनानी है और उनको ये पता लगाना है कि वो हमको कहाँ से प्राप्त हुए हैं। द इन्ग्रीडियंट्स एंड देयर सोर्सेज, सम एग्जाम्पल्स आर शोन इन टेबल 1.3। फिल इन द ब्लैंक इन टेबल 1.3 एंड एड मोर एग्जाम्पल्स टू दिस लिस्ट। टेबल 1.3 इन्ग्रीडियंट्स यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम एंड देयर सोर्सेज। तो यहाँ जो टेबल दे रखी है उसमें हमको इन्ग्रीडियंट एंड सोर्सेज दे रखे हैं। इडली फूड आइटम यहाँ सबसे पहला है इडली, तो इडली के जो इन्ग्रीडियंट हो गए हमारे पास है, राइस है, उड़द दाल है, साल्ट एंड वाटर, चार इन्ग्रीडियंट इसमें हैं। राइस हमको मिल जाएगा प्लांट से, उड़द जो दाल है वो हमको कहाँ से मिलेगी, दाल हमको चने से मिलेगी तो इसका मतलब ये भी प्लांट से मिलेगी, तो यहाँ हम प्लांट लिख देंगे। साल्ट, साल्ट हमको मिलेगा जो समुद्र होता है, समुद्र के पानी को हम सुखा लेते हैं तो जो नमक वाला भाग है वो बच जाता है, बाकी जो पानी है वो वेपर बन के उड़ जाता है। और जो वाटर है वो वाटर हमको कहाँ से मिलेगा, पोंड या लेक या फिर ट्यूबवेल, यहाँ से हमको ये प्राप्त हो जाएंगे। सेकंड जो एग्जांपल है चिकन करी, तो चिकन करी इसमें चिकन जो हमको है ये एनिमल से मिल जाएगा। स्पाइसेज, मोस्टली जो स्पाइसेज होते हैं वो प्लांट से मिलते हैं, ऑयल एंड घी ये हमको एनिमल से मिल जाएंगे। यहाँ ऑयल है ये हमको प्लांट से भी मिलता है, वाटर तो ये हमको जो सोर्सेज है वाटर के पोंड वगैरह वहाँ से हमको मिल जाएगा। खीर, खीर में जो मिल्क प्रोड्यूस होता है वो नॉर्मली एनिमल से मिलता है, एंड राइस प्लांट से, एंड शुगर, शुगर आल्सो प्लांट से, जो शुगर केन होता है वहाँ से हमको शुगर प्राप्त होती है। ये जो फिगर दे रखा है 1.3 सोर्स ऑफ फूड ग्रेन पेडी फील्ड वीट ग्रेन ट्रांसपोर्टेड, तो ये ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं पेडी फील्ड से। आगे चलते हैं, व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3। प्लांट आर द सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। एनिमल्स प्रोवाइड अस विद मिल्क, मटन प्रोडक्ट एंड एग। तो यहाँ पर जो हमको जानने वाली बात ये है कि प्लांट हमारा सोर्स होते हैं, प्लांट से हमको जो नॉर्मली चीज़ें हैं वो ग्रेन्स, दालें और सब्जियाँ, फ्रूट, एनिमल, सॉरी फ्रूट्स ही ये हमको प्लांट से मिलते हैं, एंड एनिमल हमको क्या क्या देते हैं, मिल्क, मीट प्रोडक्ट एंड एग हमको एनिमल देते हैं। काउ, गोट एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल विच गिव अस मिल्क। तो जो काऊ है, गोट है और बफेलोज है वो नॉर्मल एनिमल है जो हमको क्या देते हैं, मिल्क देते हैं, एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक बटर, और जो मिल्क से हम क्या बनवा देते हैं, बटर बना लेते हैं, क्रीम, चीज एंड कर्ड, ये सारी की सारी प्रोडक्ट है मिल्क की, इसलिए ये मिल्क से हमको मिल जाएंगी। कैन योर नेम सम एनिमल विच गिव अस मिल्क, तो क्या आप अदर एनिमल्स का नाम बता सकते हैं जो हमको मिल्क देते हैं। 4, हम बता देते हैं आपको, जैसे कैमल है, शिप है, ये भी हमको मिल्क देते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। तो यहाँ हम देखेंगे कि प्लांट के जो पार्ट्स हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं प्लांट के जो नॉर्मली हमको फूड के रूप में हम यूज करते हैं। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड।
तो जो प्लांट्स है वो हमारे फूड का एक सोर्स है। विच पार्ट ऑफ अ प्लांट, कि हम पौधे का कौन सा भाग खाते हैं। वी ईट मैनी लीफली वेजिटेबल, तो हम बहुत सारी हरी पत्तेदार सब्जियां खाते हैं। वी एट फ्रूट ऑफ सम प्लांट्स, हम फ्रूट भी खाते हैं कई पौधों के। समटाइम्स रूट, समटाइम्स स्टेम एंड इवन फ्लावर्स, कभी हम जड़ें खाते हैं, कभी हम तने खाते हैं, और कभी हम फ्लावर्स को भी फूड के रूप में खाते हैं। हैव यू एवर इटन पम्पकिन, जो पम्पकिन होती है वो क्या आपने कभी खाई है? यहाँ जो आप देख पा रहे हैं फिगर है, ए नॉर्मल डिफरेंट एडेबल पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो इसमें जो आप देख पा रहे हैं ऊपर की तरफ जो दे रखा है फ्लावर, उसके बाद में फ्रूट भी दे रखा है जो फली के रूप में है, बीन्स, स्टेम एंड लीव, ये आप देख पा रहे हैं। जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है इसे हम शूट सिस्टम बोलते हैं, और जो नीचे वाला भाग होता है ग्राउंड के उसको हम रूट सिस्टम बोलते हैं। रूट मेनली टू टाइप की होती है, प्राइमरी रूट एंड सेकेंडरी रूट। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो प्लांट का जो शूट सिस्टम है उसमें नोड एंड इंटरनोड भी पाए जाते हैं, और यहाँ जो बड्स है ये भी हमको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो मेन प्लांट की स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी। सम प्लांट्स हैव टू और मोर एडिबल पार्ट्स सीड, तो पौधे के कुछ भाग ऐसे होते हैं कई जो हम खाते हैं। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव एस तो यहाँ हम देखते हैं कि सम प्लांट हैव टू और मोर एडिबल पार्ट्स, तो कुछ पौधे हैं जिसके हम दो या दो से अधिक भाग भी खाते हैं। सीड एंड मस्टर्ड प्लांट गिव अस ऑयल एंड लीव्स आर यूज्ड इन ए वेजिटेबल, तो जो मस्टर्ड प्लांट है वो हमको ऑयल भी देते हैं और वेजिटेबल भी देते हैं। कैन यू थिंक ऑफ अ डिफरेंट पार्ट ऑफ अ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड, केले को आपने देखा होगा, केले के भी बाग वो है खाने में काम में लिए जाते हैं। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल वेयर टू एंड मोर पार्ट्स ऑफ ए सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड, तो हमको उदाहरण देने हैं कि जो पौधे के एक से ज़्यादा भाग है वो हम खाते हैं, कौन कौन से पौधे ऐसे हैं। तो यहाँ देखिए प्लांट पार्ट एज फूड, तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे ब्रिंजाल करी में हम ब्रिंजाल काम में लेंगे जो कि एक फ्रूट है। चिल्ली एज ए स्पाइसीज, ये भी एक फ्रूट है। ऑयल फ्रॉम ग्राउंड नट, मस्टर्ड, सोयाबीन एंड एनी अदर प्लांट, ये हम किसी का भी ले लेंगे ऑयल, ये ऑयल हमको सीड से मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। ये उदाहरण लेके आपको जो टेबल है 1.4 उसमें आपको फिल करने हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे एक्टिविटी 4। फ्रॉम ऑल द फूड आइटम यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3, चूज देम आइटम हुज इंग्रेडिएंट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। विच पार्ट ऑफ ए प्लांट आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम एंड प्लांट पार्ट्स एज शोन एज टेबल 1.4। तो आपने जो भी आइटम लिस्ट आउट किए हैं उनमें से आपको देखना है कि वो प्लांट के कौन से हिस्से का पार्ट है, कौन सा वो हिस्सा है। एक्टिविटी 5 में देखिए,
टेक सम ड्राई शेड ऑफ मूंग और चना. हम कुछ सूखे हुए मूंग और चने के बीज लेते हैं. पुट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड इन ए कंटेनर फिल्ड विद वाटर एंड लीव्स दीज असाइड फॉर अ डे. उसको एक दिन के लिए रख देते हैं. नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कंप्लीटली एंड ऑफ लीव एंड द सीड्स इन द वेसल्स. वेर्प देम विद ए पीसेज ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड. तो हम क्या करते हैं, उनमें से पानी निकाल देते हैं और पानी निकालने के पश्चात एक गीले कपड़े में एक उसको बांध के रख देते हैं. द फॉलोइंग डे यू आर ऑब्जर्व एनी चेंजेज इन सीड्स. तो उस दिन के बाद में आप उसमें क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, ये आप देख पा रहे हैं. ये सीड्स है होल मूंग एंड इट्स स्प्राउट्स. जो मूलांकुर हैं वो है यहाँ निकल के आ जाते हैं. ए स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर मे हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स. इफ सो द सीड हैव स्प्राउटेड. यहाँ स्प्राउटेड का मतलब होता है अंकुरण. इफ नॉट वॉश द सीड इन वाटर ड्रेन एंड लीव असाइड अनदर डे. यदि ऐसा नहीं होता है तो आप उसको दूसरे दिन के लिए भी छोड़ सकते हैं. यहाँ पर देखिए चना और ग्राम में भी ये मूलांकुर आपको निकले हुए दिखाई देते हैं. तो यदि ये एक दिन में नहीं हो तो आप उनको एक या दो दिन छोड़ सकते हैं, वे हो जाएंगे. डू यू नो वेयर हनी कम्स. क्या आप जानते हैं कि जो शहद है वो कहाँ से आता है और हाउ इट प्रोड्यूस्ड. हैव यू सीन ए बीहाइव वेयर सो मैनी बीज कीप बल्जिंग अबाउट. बीज कलेक्ट नेक्टर स्वीट जूस फ्रॉम फ्लावर एंड कन्वर्ट इट. कि जो मधुमक्खियाँ होती हैं, मधुमक्खियाँ मकरंद को चूस के लाती है उस और उसको शहद में बदल देती है. ये आप छाता देख पा रहे हैं मधुमक्खी का. इन टू हनी एंड स्टोर इट देयर हाइव फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर. सो बीज स्टोर द नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल दो इन द ईयर. When we find such a beehive, we collect the food stored by bees as honey. तो जो हनी होता है वो जो मधुमक्खी है उनके द्वारा स्टोर किया गया फूड ही होता है. उसके बाद में बात करते हैं what do animal eat. तो जो एनिमल है वो क्या खाते हैं. Do you have cattle or a pet that you take care of? ए डॉग कैट बफेलो और ए गोट. क्या आपने कभी जानवर रखे हैं और आपने उनकी कभी केयर की है. यहाँ हम देख पा रहे हैं स्क्विरल ईटिंग नट्स. तो जो एक गिलहरी होती है वो जो सूखे नट होते हैं, सूखे मेवे होते हैं, उनको खाती है. यू विल श्योरली टू बी अवेयर ऑफ फूड द एनिमल ईट. वाट अबाउट अदर एनिमल्स. हैव यू एवर ऑब्जर्वड वाट ए स्क्वायरल पिजन लिजर्ड और ए स्मॉल इंसेक्ट बी ईटिंग एज देयर फूड. तो यहाँ जो एक्टिविटी 6 है इसमें हमको एनिमल्स एंड देयर फूड के बारे में बातचीत करनी है. तो फर्स्ट कॉलम में यहाँ हमारे पास लिस्ट ऑफ एनिमल एंड सेकेंड कॉलम में हमारे पास फूड द एनिमल्स ईट्स. तो बफेलो है वो ग्रास ऑयल केक्स है ग्रेन्स ये खाती है. कैट स्मॉल एनिमल्स बर्ड्स. रैट क्या खाते हैं. रैट नॉर्मली जो ग्रेन्स है उनको भी खा लेते हैं. कई कई जो रैट्स है वो ओमनिवोरस भी होते हैं तो वो नॉर्मली जो एनिमल्स हैं उनको भी कुतर लेते हैं. तो इस तरीके से आप इस जो सारणी है इनको फिल
कर सकते हैं। उसके बाद में हैव ए लुक अगेन एट टेबल 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल्स एंटर्ड हेयर एज फॉलो। पैलेस एनिमल विच एट ओनली प्लांट्स दैट इज कॉल्ड हर्बीवर्स। तो हर्बीवर्स कौन से एनिमल होंगे जो केवल और केवल प्लांट्स ईट करेंगे, खाएंगे। देर आर सम एनिमल्स विच ईट अनदर एनिमल्स पैलेस इन ग्रुप टू। तो जो हमने ग्रुप टू में रखे हैं वो एनिमल्स किसी दूसरे एनिमल को खाते हैं, इसलिए हम उनको कार्निवर्स बोलते हैं। डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल पैलेस इन ग्रुप थ्री, दीज आर द कॉल्ड ओमनीवर्स। तो कुछ ऐसे भी एनिमल होते हैं जो कि प्लांट और एनिमल दोनों को ही खाते हैं, तो उसको हम ओमनीवर्स कहते हैं। टेबल 1.6 दे रखी है, इसको आप प्रिपेयर कर सकते हो, उदाहरण दे सकते हो यहाँ हर्बीवर्स, कार्निवर्स एंड ओमनीवर्स के रूप में। उसके बाद में हम बात करते हैं, वी नो दैट देर आर मैनी ऑलमोस्ट अमंगस्ट अस, कि अनेक प्रकार के जानवर हैं जो हमारे बीच रहते हैं, हु डू नॉट गेट सफिशियंट फूड। कई कई ऐसे होते हैं जो सफिशियंट फूड नहीं ले पाते। वी नीड टू फाइंड वेज बाई विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। तो हमको ये सोचना चाहिए कि भाई उनको खाना कैसे मिले जिससे कि उनकी जो जाति है वो जिंदा रह पाए। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है स्टूडेंट्स, ये हमने आज कंप्लीट कर लिया है। इसके जो सेकंड पार्ट हम डालेंगे, ये पार्ट फर्स्ट है, उसमें हम आपको क्वेश्चन आंसर और समरी, ये जो समरी दे रखी है वो हम आपको बताएंगे, सॉल्व करवाएंगे क्वेश्चन। तो ये वीडियो आप देखिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा जिससे कि उनको भी बेनिफिट मिल सके। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में विद क्वेश्चन आंसर। नाउ रीड अबाउट समरी ऑफ लेसन। समरी द फर्स्ट पॉइंट, देर इज ए लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। तो यहाँ ये बताया गया है कि ए लॉट ऑफ वेरिएशन मतलब बहुत ज़्यादा विभिन्नता है इंडिया के डिफरेंट रीजन के अंदर। बहुत सारे स्टेट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो वहाँ सब में अलग अलग भोजन हमको मिलेगा। द मेन सोर्स ऑफ आवर फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल। जो हमारा जो फूड है उसका जो मेन सोर्स है वो प्लांट और एनिमल है। एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवर्स। तो हर्बीवर्स क्या होते हैं, जो केवल और केवल प्लांट्स को ईट करते हैं। एंड कार्निवर्स, दे आर ईट एनिमल्स। एंड ओमनीवर्स, दे आर ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स आल्सो। एक्सरसाइज फर्स्ट, डू यू फाइंड द दैट ऑल लिविंग बींग नीड द सेम काइंड ऑफ फूड। तो यहाँ हमको ये बताना है कि सारे के सारे जो लिविंग हैं, व्यक्ति हैं, क्या समान भोजन करते हैं। तो ये बात सही नहीं है। यहाँ हम लिख सकते हैं कि ऑल लिविंग बींग्स नीडेड सम वेरी जो डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स, यहाँ पर हम कह सकते हैं। नेम फाइव प्लांट एंड देयर पार्ट्स वी ईट। यहाँ पर हमको पांच पादपों के नाम बताने हैं और उनके कौन से पार्ट्स हम खाते हैं ये बताने हैं। तो आप लिख सकते हो नॉर्मली स्पिनिच लिख सकते हो। स्पिनिच में हम क्या खाते हैं, जो लीफ है उसकी कॉलीफ्लावर है, उसमें हम
कम्प्लीटली जो फ्लोवर है, और फ्लोवर भी नहीं कहें तो जो इन्फ्लोरेशेंस है, जो पुष्पक्रम है उसका, वो खाते हैं। कैरेट है, और कैरेट में हम क्या खाते हैं, उसका जो रूट है वो खाते हैं। कैरेट के बाद हम बात कर सकते हैं जो मूली होती है हमारी, उसमें भी हम रूट खाते हैं। और जो हमारी फूल गोभी जिसको कहते हैं, फूल गोभी में हम क्या खाते हैं, जो इन्फ्लोरेशेंस है वो खाते हैं। थर्ड क्वेश्चन यहाँ देखिए, मैच द आइटम गिवन ने कॉलम वन एंड टू, मिल्क कर्ड एंड पनीर घी, ये हमको किससे मिलता है? ये एनिमल प्रोडक्ट है। स्पिनिच, कॉलीफ्लावर एंड कैरेक, दिस आर वेजिटेबल। लॉयन एंड टाइगर्स अदर एनिमल्स को ईट करते हैं। हर्बीवर्स वो होते हैं जो ईट प्लांट एंड देयर प्रोडक्ट्स। तो ये इस तरीके से मैच हो जाएगा। उसके बाद में फिल इन द ब्लैंक है, टाइगर इज ए, तो टाइगर यहाँ कार्निवोर एनिमल है, तो यहाँ हम लिख देंगे कि टाइगर इज ए कार्निवोर एनिमल। डियर ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स एंड सो इज कॉल्ड हर्बीवोरस। जो डियर होती है, हिरन, वो प्लांट्स के भाग खाती है, इसलिए हम उसको शाकाहारी भी कहते हैं। पैरोट ईट ओनली प्लांट्स। चौथा है यहाँ द, यहाँ वी ड्रिंक विच कम फ्रॉम काउज, बेफेलोज एंड गोट, तो यहाँ मिल्क आ जाएगा। वी गेट सुगर फ्रॉम सुगर केन, ये यहाँ सुगर केन आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये आपका जो कंप्लीट लेसन है वो कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं आपसे एक नए चैप्टर के साथ।